हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, जो दिव्यांग में स्विमर हैं और इन्होंने विक्रम अवार्ड जीता है। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में, कैसी रही उनकी संघर्षपूर्ण जर्नी। सर, आपने कैसे संघर्ष किया इस, क्योंकि आप चूंकि दिव्यांग थे, आपको छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपने कैसे संघर्ष किया? देखो, मैंने जीवन में संघर्ष तो हर किसी के जीवन में, मैंने भी जीवन में संघर्ष किया, क्योंकि मैं कहता हूँ बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता इस जीवन में। तो इसी उद्देश्य से मैंने कहा कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम मेरे को हुई है, ये कभी हमारी प्रॉब्लम आगे बढ़ने में एक रुकावट नहीं आना चाहिए, और ये हमें जीवन में बढ़ने की ताकत का काम करना चाहिए। इसीलिए जो हमारी जो कमी है उसी को हमने ताकत बनाया, तब कहीं जाकर हमको ये आपने बताया विक्रम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और ये कैटनिया चैनल, इंग्लिश चैनल और अभी तक 7 नेशनल और 3 इंटरनेशनल में 25 मदक अभी तक हासिल किए हैं। ये हमारी सक्सेस का मूल मंत्र है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने आपको ये मौका दिया, आपने यहाँ मोटिवेट किया लोगों को, बच्चों को मोटिवेट किया, आप क्या चाहते हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैसे आगे बढ़े और कैसे आपने मोटिवेट किया लोगों को? क्योंकि ग्लोबल जो मानसरोवर यूनिवर्सिटी है, इस तरीके की सोच पैदा की, क्योंकि एक जो दिव्यांग है उसको अगर इस तरीके से बुलाया जाएगा तो मैं कहता हूँ सामान्य के जीवन में भी एक परिवर्तन होगा। मैं कहता हूँ अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो जरूर जो प्रोत्साहन और प्रशंसा की जो खाद है वो बच्चों को मिलेगी, और वो अपने यूनिवर्सिटी का ही नहीं, अपने प्रदेश देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेगा। आज लास्ट क्वेश्चन, ये आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद का, विवेकानंद जी के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है, आप दो शब्द विवेकानंद जी के बारे में। हाँ, विवेकानंद जी के जो कोटेशन है कि उठो जागो जब तक आप रुको नहीं जाओ तो लक्ष्य प्राप्त कर लो, तो विवेकानंद जी के अगर जो है उन्होंने जो हमारे देश के युवाओं के लिए ही नहीं पूरे विश्व के युवाओं के लिए वो प्रेरणा के पुंज हैं, हमें उनके वाक्यों पर चलना चाहिए। जब हम जीवन में उतारेंगे तो जिस तरीके से हम यहाँ तक आए हैं, तो कोई भी अगर उनके विचारों पर चलेगा तो जरूर अपने परिवार देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी एक संत ही नहीं, वो हमारे विचार थे, वो हमारे आधार थे, वो हमारी संस्कृति के पथ प्रदर्शक थे। ऐसे संत को मैं और महापुरुष को मैं नमन करता हूँ और उनके आशीर्वाद मिले जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। आपने बहुत सारे अचीवमेंट किए, ब्रॉन्ज किए, देश के लिए बहुत सारे अवार्ड जीते, देश का नाम गौरव किया, भिंड का भी नाम किया, ग्वालियर का भी नाम गौरव किया, तो आपने आपकी जो अचीवमेंट रही उस बारे में थोड़ा सा। अचीवमेंट यही है, मैंने अभी तक बताया कि अपने कभी भी नहीं समझा, मैंने स्विमिंग की, LNIP में की, जो अभी लंदन में गया, इंग्लिश चैनल किया, कैटलिन केलम, यही सारी अभी तक जो जीवन है वो संघर्ष पर बीता और अभी तक। मध्य प्रदेश सरकार आपको कोई पद्म विभूषण अवार्ड? हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया, सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है और दिव्यांग के लिए पॉलिसी बना दी है, जो फैसिलिटी नॉर्मल को मिलेंगी साधक को मिलेंगी, और मैं समझता हूँ आशा है कि सभी दिव्यांग को मदद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, विक्रमी अवार्डी, जिनका साफ कहना है कि संघर्ष करिए जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।